Hi friends, subscribe to our channel and click bell icon button to get all notifications. Welcome friends, this is MDF Rose. Today my topic is lateral distance calculation and rear distance calculation, how to calculate. So दोस्तों जैसे कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो lateral distance होता है, rear distance जिसको बोलते हैं हम, वो कैसे कैलकुलेट करना, किस तरह से, मैं यहाँ पे फिगर है मेंशन है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, तो इस वीडियो पे बने रहिए। सो दोस्तों जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये वाला जो मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे आप, एक सेकंड, देख सकते हैं यहाँ पे आप, फिगर जूम करता हूँ, देखिए जैसे कि यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला दोस्तों वॉल है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये वाला वॉल है दोस्तों, ये 15 फीट लेंथ है उसका, यहाँ पे देख सकते हैं ये 15 फीट इसका लेंथ है वॉल का। और दोस्तों यहाँ पे जो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 12 फीट इसका हाइट है, जो दोस्तों ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक 12 फीट उसका हाइट है दोस्तों, यहाँ से 12 फीट हाइट है, और दोस्तों ये वाला 15 फीट उसका लेंथ है। ये है दोस्तों ये जो है अपनी वॉल है। मैं और थोड़ा जूम करता हूँ दोस्तों, देखिए इसको अच्छे से, और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोस्तों स्टोन है, स्टोन का दोस्तों हाइट है 9 इंचेस, और दोस्तों इसका जो लेंथ होता है वो 14 इंचेस है दोस्तों। कितना है दोस्तों यहाँ पे 9 इंचेस इसका क्या बोलते हैं हाइट है, 14 इंचेस इसका लेंथ है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये जो है दोस्तों ये सभी जो है स्टोन है, ये सभी स्टोन है। और दोस्तों मैं आपको और एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये 15 फीट जो है मीटर में 4.57 मीटर हो जाएगा, और 12 फीट जो है 3.57 ये मीटर हो जाएगा। तो दोस्तों हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन किस तरह से है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर आता हूँ, देख सकते हैं आप, जैसा कि थोड़ा जूम करता हूँ, जूमिंग करता हूँ, देखिए इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन है, हाउ टू कैलकुलेट लैटराइट और रेड स्टोन्स। तो दोस्तों हमें कैलकुलेट क्या करना है, क्वांटिटी कैलकुलेट करना है लैटराइट स्टोन की, किस तरह से करना है। देर आर टू मेथड्स दोस्तों, उसके टू मेथड्स है। फर्स्ट जो मेथड है दोस्तों वो है एरिया मेथड, लेंथ इनटू ब्रेथ, सॉरी लेंथ इनटू हाइट फर्स्ट मेथड, एंड दोस्तों सेकंड जो मेथड है उसका वैल्यू मेथड, लेंथ इनटू दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लेंथ इनटू यहाँ पे उसका जो ब्रेथ होता है, ब्रेथ इनटू हाइट, ये दोस्तों हमारा सेकंड मेथड है। तो दोस्तों वन बाई करके मैं आपको बताता हूँ किस तरह से, आप इस वीडियो पे बने रहिए और स्किप मत कीजिए। सो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। जैसे कि हम जो भी इंजीनियर्स होते हैं, हर जैसे कि मीटर में करते हैं और एमएम में करते हैं, फीट्स में भी कर सकते हैं, मगर मीटर में और एमएम में जो वैल्यू जो आएगी एक्यूरेट आएगी और करेक्ट आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे 15 फीट को और 12 फीट को जो वॉल है यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेथड नेम है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मेथड नेम एरिया लेंथ, एरिया मेथड नेम एरिया लेंथ इनटू हाइट। तो दोस्तों वॉल्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 फीट की है, और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 फीट की है दोस्तों। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे आप देखिए 15 फीट को डिवाइड करना चाहिए 3.28 से दोस्तों, एक मीटर में दोस्तों 3.28 फीट होते हैं। तो हम इस तरह से कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको 4.57 मीटर मिल जाएगा, और 12 फीट को भी यहाँ पे 3.28 से डिवाइड करेंगे तो 3.65 मीटर मिल जाएगा दोस्तों। इसी तरह से हमको एरिया मिल जाएगा लेंथ इनटू हाइट दोस्तों। ये है हमारा लेंथ, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर जो है सो लेंथ यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये वाला है अपना लेंथ, ये वाला है अपना हाइट, और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला है अपना
लेंथ और ये वाला है अपना हाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लेंथ इनटू हाइट कर देंगे 4.57 इंटू 3.65 दोस्तों 16 पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से आ जाएगा 16.68 मीटर आ जाएगा एरिया, वॉल का एरिया दोस्तों, ये जो है वॉल का एरिया है। इसी तरह से आप स्टोन का एरिया भी देख सकते हैं इस तरह 14 इंचेस डिवाइड बाई 39.37 दोस्तों, एक मीटर में दोस्तों 39.37 इंचेस होते हैं, इसलिए हमने इसको यूनिट कन्वर्जन से यहाँ पे डिवाइड किया है। तो हम आपको मीटर में जो वाली आएगी दोस्तों ये आएगी, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.355 मीटर, 9 इंचेस को भी हमने मीटर में कन्वर्ट किया है 39.37 दोस्तों 0.228 मीटर। तो दोस्तों इसी तरह से भी इसका एरिया आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एरिया लेंथ इंटू, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंथ इंटू हाइट, तो दोस्तों अपना आ जाएगा ये 0.3, यहाँ ऊपर देख सकते हैं लेंथ 0.355 इंटू यहाँ पे जो हाइट रहेगा 0.228, तो दोस्तों यहाँ पे एरिया इसका आ जाएगा 0.08094 मीटर। यहाँ पे 16 पॉइंट ये वॉल का एरिया है दोस्तों, यहाँ पे ये इसका एरिया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा अपना मीटर स्क्वायर, यूनिट आ जाएगा दोस्तों मीटर स्क्वायर, और इसका भी देख सकते हैं दोस्तों ये आ जाएगा यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर 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 स्क्वायर। तो दोस्तों किस तरह से अब क्वांटिटी आएगी मैं आपको बताता हूँ ये वीडियो में, मेथड वन बताता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मेथड टू बताऊँगा कि किसी एक दो मिनट में ये वीडियो कम्प्लीट हो जाएगी, इस वीडियो पर बने रहिए। सो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर एक नोट बोलूँगा, वो इम्पोर्टेंट है, आप अपने जो बुक होती है नोटबुक उसमें आप नोट कर लीजिए, चाहे तो आपका जो व्हाट्सअप होता है जो व्हाट्सअप उसमें भी आप, या फिर मैसेंजर में किसी में भी ऐड कर ले सकते हैं, नोट कर ले सकते हैं। सो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नोट क्या दोस्तों, 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। मैं यहाँ पर जूम कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों देख सकते हैं आप थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों यहाँ पे 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। और एक चीज़ दोस्तों याद रख लीजिए, 1 मीटर में 39.37 इंचेस होते हैं, 1 मीटर में 39.37 इंचेस होते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स और स्टोन बोल सकते हैं, किस तरह से दोस्तों यहाँ पे फार्मूला देख सकते हैं, टोटल एरिया ऑफ वॉल, टोटल एरिया ऑफ वॉल और दोस्तों एरिया ऑफ स्टोन। सो दोस्तों टोटल एरिया ऑफ वॉल दोस्तों ये वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ये करता हूँ, अब आपको दिखेगा दोस्तों, यहाँ पे जो दिख रहा है दोस्तों ये जो है एरिया ऑफ अपना क्या बोलते हैं दोस्तों, ये जो वाला है एरिया ऑफ अपना स्टोन है, ऊपर वाला एरिया ऑफ वॉल था, ये एरिया ऑफ स्टोन्स है। और दोस्तों हम फार्मूला इस तरह से होता है, टोटल एरिया ऑफ वॉल्स ये मिल गया, टोटल एरिया ऑफ स्टोन्स ये मिल गया, तो यहाँ पे इस तरह से हम इसका वॉल का एरिया यहाँ पे ले लेंगे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ब्लॉक्स और स्टोन का एरिया यहाँ पे डाल देंगे, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, और दोस्तों हमारा जो नंबर ऑफ लेटराइट जो रेड स्टोन है, जो लेटराइट हम उसको यहाँ बिदर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होता है लाल पत्थर बोलते हैं, वो दोस्तों 206 अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे 206.9 होता है नंबर्स, तो ज़ीरो तो कंसीडर नहीं करते, तो अप्रोक्सीमेट दोस्तों यहाँ पे 206 यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी जो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मेथड टू होगी, तो आप वीडियो पे बने रहिए। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ दोस्तों, एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन हैं हमारे दोस्त अब्रार बोल के हैं, वो सऊदी में जॉब करते हैं, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था, फरोज़ भाई एक क्वेश्चन है आप मेरे को ये करके दीजिए, तो मैं उन्हीं के लिए और सभी हमारे जो फ्रेशर्स जो सिविल इंजीनियर है और हमारे जितने भी ऑडियंस है व्यूवर्स हैं जो ये चैनल देख रहे हैं यूट्यूब पे, सभी के लिए ये क्वेश्चन है। तो मैं इंशाल्लाह मेथड टू वॉल्यूम किस तरह से होता है मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। अगर दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ डॉट है, तो यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन पर, वहाँ पर कमेंट बॉक्स रहेगा,
वहाँ पे पब्लिक कमेंट रहेगा, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, टेक केयर योर सेल्फ, बाय बाय। Hi friends, subscribe our channel and click bell icon button to get all notifications.